नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज एक टॉपिक है मिलिंग मशीन के ऊपर, की कैसे निकालें, यानी कि मिलिंग मशीन पे चाबी कैसे काटें। और एक सांप के ऊपर मैं आपको चाबी काट के दिखाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे पास एक रिपेयर के लिए एक सांप आया हुआ है, रिपेयरिंग का है। तो इधर भी एक की निकला हुआ है और यहाँ भी एक की निकला हुआ है। और यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मुझे की निकालना है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मैं की निकालूँगा वो यहाँ पर आप ठीक से देखिए, ये जो है यहाँ निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, ये एक की निकला हुआ है, ये एक की निकला हुआ है। और यहाँ पर जो मैं की निकालूँगा वो 10x4 का हो, यानी कि 10 की चाबी और 4 इसका डेप्थ होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, आइए चलते हैं मिलिंग मशीन के ऊपर। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं मिलिंग मशीन के ऊपर, और ये जो साफ्ट मैंने आपको दिखाया, इस साफ्ट के ऊपर हम चाबी काटेंगे। तो पहले देखते हैं ये जो हमारा वाइस है, मैंने वाइस को ट्रू कर रखा है पहले से। ट्रू कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं आपको कभी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये मैंने वाइस ट्रू कर रखा है, ठीक है। अब इस साफ्ट को मैं इसके अंदर डालूँगा, थोड़ा सा खोल लेते हैं। मैं इसको खोल के फिर इस साफ्ट को मैंने इसके अंदर डाला, और डालने के बाद इसको मैं फिर टाइट करूँगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे टाइट करूंगा अच्छे से, ये टाइट हो गया। अब इसके ऊपर हमें टूल्स की ज़रूरत है, यानी कि बिट की ज़रूरत है, कटर जिससे हम काटेंगे। तो कटर हमारा है, आप यहाँ देखिए, इसमें DRO के पास यहाँ एक प्लेट लगी रहती है जिसमें कॉलेट वगैरह, ड्रिल वगैरह आप रख सकते हैं, या फिर अपना कटर वगैरह। तो इसमें देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये 10 का कटर है, ये देखिए 10 का कटर है ये। तो इससे हम इसमें की निकालते हैं। तो आइए इसको हम इसमें लगाएंगे, पहले इसमें मिलिंग में ऐसे लगा के, और ऊपर से यहाँ पे ऊपर से हम ऐसे टाइट करेंगे अच्छे से इसको। पहले इसको मैं ऐसे टाइट करूँगा, और ये देखिए यहाँ पे जो एक है ये ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक है। इस ब्रेक को मैं ऐसे ऐसे लगाया ब्रेक, और ये एक ऐसा पाना है हमारे पास 19 और 17 का, इसके हेड में, इसके हेड में ऐसे हम डालेंगे, और डालने के बाद इसे करेंगे टाइट, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ ताकि आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन में ना रहें कहीं भी। ये मैंने अच्छे से टाइट कर दिया, अब इस ब्रेक को मैं फ्री करता हूँ, ठीक है। इस ब्रेक को फ्री कर दिया और ये हमारा कटर इसमें टाइट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे इसके ऊपर इसकी जो चाबी की डेप्थ होगी, यानी कि जो गहराई होगी, वो भी हम डालेंगे, और कहाँ से डालेंगे वो भी बताएंगे, और इसका जो सेंटर निकालेंगे वो भी बताएंगे आपको। फाइनल दोस्तों मैंने ये साफ्ट के ऊपर, अब देखिए, अब ये जो कटर है, मैं ये जो साफ्ट है हमारा, साफ्ट के इस साइड, ये जो हमारा रोल का जो साफ्ट है, साफ्ट के इस साइड और साफ्ट के इस साइड, दोनों साइड से मैं इसको सेंटर कैसे करता हूँ वो आप पहले देख लीजिए। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि सेंटर कैसे निकालते हैं, तो वो भी आप वीडियो जाके पीछे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको फिर यहाँ एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। एक बार देखिए, मैं यहाँ से मशीन स्टार्टर है, मशीन को मैंने ऑन किया, और ये देखिए कटर, अब हम इसको लेके नीचे जा रहे हैं, और बिल्कुल ही मैंने लाइट ऑन किया ताकि मुझे क्लियर दिख सके। यहाँ पे इसमें ले आके मैं टच करूँगा, ठीक है। टच किया और यहाँ देखिए DRO पे देखिए, ठीक है। DRO पर टच करने के बाद ये जो हमारा वाई वाला लिखा है ना, ये वाई है, ठीक है, ये हमारा जो है वाई है, ठीक है। और ये जो ऊपर से ऐसे हम चलाते हैं ऐसे, वो एक्स होता है। तो यहाँ देखिए वाई है ना, वाई को मैंने किया 0, ठीक है, देखिए बिल्कुल 0 हो गया। अब इसको हम ऊपर करेंगे और इसको लेके आएंगे पीछे, ठीक है। इसको मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ कटर को, और कटर को फिर मैंने यहाँ नीचे किया और इसको लॉक किया मैंने, ठीक है, ऐसे लॉक कर दिया। तो ये हमारा कटर यहाँ पर लॉक हो गया। अब इसको मैं फिर पीछे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसमें टच किया, और ये जो वाई के नीचे देखिए, एक वाइट कलर में यहाँ पे वाई लिखा हुआ होगा, आप इसको दबाइए, और उसके बाद नीचे यहाँ पर DRO में देखिएगा 1/2 लिखा होगा, आप इसको कर दीजिएगा। तो ये 1/2 यानी कि आधा हो गया, आधा। अब ये देखिए यहाँ पर जो है, आप इस कटर को ऊपर करिए, और फिर यहाँ देखिए 4, 3, 2, 1, और ये हमारा ये हमारा 0 हो गया।
अब ये सापट जो है, अब सापट का बिल्कुल ही सेंटर हो गया, अब चाबी की गहराई कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो फाइनल दोस्तों अब हमारा नंबर है डेप्थ सेट करने का। तो अब ये देखिए, मैं कटर को इसको ले आके, देखिए पहले मशीन ऑन कर लीजिए ताकि आपका कटर चले, और मशीन ऑन करने के बाद आप कटर को ले आके इस शाफ्ट के ऊपर ऐसे हल्का सा लगाना है। अगर ना लग रही हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी आप लिमिट से सेट करने के लिए आप कितना डेप्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, पर नॉर्मली बहुत अच्छा मैं यूनिक तरीका बताऊँगा आपको कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा इसमें। आप थोड़ा थोड़ा करिएगा इसको, ऐसे हल्का सा आगे पीछे करके यहाँ नीचे पहले टच कर लिए। देखिए अब हमारा साफ टच हो गया ना, थोड़ा सा हल्का सा कटिंग आई है इसमें। अब इसको यहाँ पे ये इसको लॉक करके आप इसको यहाँ पे टाइट कर दो, ये हमारा लिमिट फिक्स हो गया, ये हमारा लिमिट फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे मशीन ऑफ। ठीक है, मैंने मशीन ऑफ कर दिया। अब आइए यहाँ, अब आप आ जाइए नीचे, ये जो हैंडल है आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा हैंडल है जिससे मैं पूरी बेड को ऊपर लेके आता हूँ, और फिर जब मैं इसको घुमाऊंगा तो हमारा पूरा बेड नीचे को जाएगा। ठीक है, तो ये इससे होता है। और इसमें देखिए, यहाँ पे थोड़ा नज़दीक से आप देखिए, इसमें रीडिंग लगा हुआ है। ठीक है, इसमें रीडिंग लगा हुआ है, क्लियर आप देख पा रहे होंगे, इसमें रीडिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये जीरो पे हमारा ये वाला कांटा अभी रुका हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूँ, जब ये पूरी इस ये पॉइंट से ये पूरा एक चक्कर जब घूमेगा ना, तो ये ओनली 2.5 यानी कि 2.5 का 2.5 mm ये कटिंग कर सकती है, यानी कि आपका डेप्थ उतना अंदर चला जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हल्का सा आपको अंदाजे के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको हो सकता है याद ना रहे लेकिन मैं आपको बता दूँ। जैसे आप यहाँ पे चौक लगा लीजिए, चौक का निशान आपने लगा लिया। अब देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अब घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। इसको पूरा घुमा कर आप जब यहाँ एक चक्कर ला दिए, यहाँ पर फिर से जीरो पे आप ले आके मिला दिए, तो ये हमारा 2.5 mm हो गया। ठीक है, 2.5 ये कटिंग करेगा। ठीक है, और हमें कितना करना है, 10.5 का चाबी काटना है, यानी 10x5 का चाबी काटना है। तो हमें इसको एक बार और घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे एक बार और घुमाते हैं, और देखिए फिर से वहीं पे ये आके लग गई। ठीक है, तो ये अब ये हमारा 5 mm ये जो है, यहाँ जो अब हमारा साफ्ट है, साफ्ट के अंदर जो चाबी कटेगी, जो चाबी का गहराई होगा वो 5 mm आएगी। ठीक है, और ये जो इसकी चौड़ाई होगी, जब 10 का कटर लगा रहे हैं तो 10 आएगा, तो यानी कि 10x5 का होगा। तो काटते कैसे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। मशीन ऑन करिए, मशीन ऑन करने के बाद आप यहाँ पर, यहाँ पर आप ऐसे मशीन को सॉरी कटर को यहाँ पे टच करिए, और ऊपर जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा एक्स वाला है उसको आप ऐसे ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, ओनली एक्स जो रेड कलर में आता है, चाहे आपके में जो भी कलर हो, आप उसको ज़ीरो करिए। और ज़ीरो करने के बाद यहाँ से अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब हम कटिंग करना चालू करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमने कटिंग चालू कर दी। देखिए हम बहुत ही आसानी के साथ ये कटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आप एक बार ऊपर करिए, और फिर इधर वाले हैंडल को, ये जो हाथ में हैंडल हमारा है, इसको ऐसे बढ़ाइए, उसके बाद इसको नीचे ले जाइए, ऊपर ले जाइए, इसको बढ़ाइए, नीचे ले जाइए, ऐसे ही आसानी के साथ आप काट सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे चाबी बहुत ही आसानी के साथ काट रहा हूँ, और मुझे 50 mm लंबा काटना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कूलेंट का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आज पानी डालना भूल गया था। और यहाँ देखिए मैंने 45 mm के करीब में मैंने लंबाई काट दिया, और मुझे करना है 50 mm। ठीक है, फाइनली 49 हो चुका है, और ये हमारा बिल्कुल 50 हो गया। ठीक है, अब हम इसे वापस ले रहे हैं, वापस लेने के बाद मैंने मशीन बंद किया, और अब देखेंगे कि क्या ये हमारा 10x5 और 50 mm लंबा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने काट लिया, थोड़ा सा मैं इसका स्क्रैप हटा लूँ, उसके बाद अच्छे से चेक करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो बर आई हुई है उसको मैं
थोड़ा फाइल कर देता हूँ ताकि हमें चेक करना आसान हो जाएगा। तो फाइनली अब मैंने इसके ऊपर फाइल मार लिया है जो भरा आया था। तो अब आता है कि हमने जो काम किया है वो परफेक्ट है या नहीं, यानी कि हमारा 5 mm डेप्थ है या नहीं, 10 mm है या नहीं, और ये जो लंबाई है 50 है कि नहीं, DRO हमारा परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए पहले डेप्थ को क्लियर करते हैं। डेप्थ को हम यहाँ से चेक करेंगे और देखिए ये 4.9495 करके 50 माइक्रोन के डिफरेंस में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा नंबर आता है, इसका सेकंड नंबर है ये, देखिए ठीक से आप देख पा रहे होंगे 10 है और हमारा डेप्थ था 5। अब इसकी लंबाई हमने जो DRO से रखा था 50 mm, क्या ये 50 mm है? आइए वो भी क्लियर करते हैं। ये देखिए 50.2 के करीब में आ रहा है। ठीक है, वो इधर पीछे के साइड का मैंने बर नहीं मारा है, उसको अगर साफ़ कर दूंगा तो ये पूरा 50 आएगा। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, करने का हौसला होना चाहिए इंसान का। तो इस तरीके से आप आसानी से, बिल्कुल ही आसान तरीके से चाबी काट सकते हैं मिलिंग मशीन के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके से नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।